वही गांधी नेहरू परिवार का गढ़ माने जाने वाला रायबरेली में विपक्षी इंडिया गुट के दिग्गज पहुंचे। इस दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ सोनिया गांधी भी रायबरेली पहुंचे। वही समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी गांधी परिवार के साथ रायबरेली में जनसभा में शामिल हुए। जनसभा के दौरान सोनिया गांधी ने जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो अपना बेटा रायबरेली की जनता को सौंप रही है और वो उन्हें हरगिज भी निराश नहीं करेगा। मालूम हो कि इस बार राहुल गांधी रायबरेली से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं और पिछले दो दशकों से सीट का प्रतिनिधित्व करने वाली सोनिया गांधी राज्यसभा से सांसद चुनी जा चुकी हैं। उन्होंने कहा, मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूं, जैसे आपने मुझे अपना माना वैसे ही राहुल को मानकर रखना है। राहुल आपको निराश नहीं करेंगे। मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूं। जैसे आपने मुझे अपना अपना माना वैसे ही राहुल को अपना मान कर रखना है। ये राहुल आपको निराश नहीं करेगा। 30 साल तक एक सांसद के रूप में आपने मुझे सेवा करने का अवसर दिया। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। रायबरेली मेरा परिवार है, वैसे अमेठी भी मेरा घर है। पिछले 100 साल से हमारे परिवार की जड़ इस मिट्टी से जुड़ी हुई है। गंगा माँ की तरह पवित्र यह रिश्ता। मैंने राहुल और प्रियंका को वही शिक्षा दी जो इंदिरा जी ने और रायबरेली की जनता ने मुझे दी। सबका आदर करो, कमजोर की रक्षा करो, अन्याय के खिलाफ जनता के अधिकार के लिए जिससे भी लड़ना पड़े लड़ जाओ। डरना मत, क्योंकि संघर्ष की तुम्हारी जड़ें और परंपराएं बहुत मजबूत।